ये दोस्तों आप लोग देख रहे हैं वी फोर वीडियोस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग इस 800 ग्राम के अनानास का जूस इस प्लास्टिक की जूसर मशीन में बना सकते हैं या नहीं। अगर बना सकते हैं तो एक अनानास में जो कि 800 ग्राम का है उसमें कितने ग्राम जूस निकल के आएगा या फिर कितने गिलास जूस निकल के आएगा। ये मशीन आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट में मिल जाती है। इसकी कीमत 350 रुपये से 500 रुपये के बीच में होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये मशीन अनानास का जूस निकालने में सक्षम है या नहीं, और ये हमें तभी मालूम चलेगा जब हम लोग इसे लाइव करके देखेंगे और जूस निकाल के देखेंगे। अगर इस मशीन ने जूस निकाल लिया तो सबसे बढ़िया खास बात तो ये होगी हमें मिलेगा घर पे बिना पानी मिलाए, बिना किसी चीज़ की मिलावट के, बिना मक्खियों की गंदगी के एकदम साफ सुथरा अनानास का जूस, जो कि बाहर मिलना इतना पॉसिबल नहीं है कि आपको इतना साफ सुथरा जूस बाहर कहीं मिल जाए। वो तो आपको केवल घर पे ही मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने अनानास को काट लिया है। तो 800 ग्राम के अनानास में मुझे मिला है, इसको भी मैं ना लेता हूँ क्यों बर्बाद करूँ, लगभग 380 ग्राम के आसपास का पल्प। तो 800 ग्राम के अनानास में हमें मिला है 380। अगर आप लोग निकाल सकते तो 400 ग्राम भी निकाल लेते, आधा तो निकाल सकते थे हम लोग, कोई बात नहीं। तो एक अनानास में हम लोग उसके वजन का आधा पल्प आराम से निकाल सकते हैं, अभी मैंने देखा। तो चलिए इसका जूस निकालना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस मशीन को लेकर मैंने तरबूज और संतरे का भी वीडियो बनाया है। आप लोग आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वाले वीडियोस को भी देख सकते हैं जिसमें मैंने दिखाया है कि इसमें तरबूज का जूस निकल सकता है या नहीं। और संतरे का तो निकल ही जाता है, लेकिन एक किलो संतरे में कितना जूस निकलता है, ऐसा मैंने इस मशीन को लेकर वो वाला वीडियो बनाया है। आप लोग उसे भी जाके जरूर से देखिएगा। वैसे देखा जाए संतरे और मौसमी के केस में ये मशीन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। 350 रुपये में कभी कभी मिल जाती है, और 350 रुपये की इस मशीन के जरिए हम लोग घर पे ही एकदम स्वच्छ एकदम साफ सुथरा जूस बना लेते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे फ़ायदेमंद बात है। तो ये 350 रुपये की मशीन हमारे लिए हज़ारों रुपये की हेल्थ वैल्यू प्रोवाइड करती है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप लोग वहाँ पर जाके इसे खरीद भी सकते हैं, चाहे अमेजोन से या फिर चाहे फ्लिपकार्ट से। तो लगभग सारा जूस निकाल ही चुका है और इसका वज़न है 254 ग्राम। तो एक अनानास में मुझे मिला 254 ग्राम जूस, जिसका वजन था पहले 800 ग्राम। चलिए एक बार और कोशिश कर लेते हैं, शायद 10-50 ग्राम जूस और मिल जाए। तो मैंने उसी पल्प को वापस दोहराया और यहाँ पे हमें थोड़ा सा जूस और मिल गया। ये देखिए अभी इतना था और ये अभी इतना हो गया। तो ये है एकदम गाढ़ा एकदम प्योर बिना पानी और बिना किसी और चीज़ के मिलावट के घर पे बना अनानास का जूस। तो एक चीज़ और हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें जो पल्प बचा है वो अभी उसमें अभी कितना जूस निकल सकता है या फिर वो एकदम सूख गया है। तो ये रहा इसका पल्प, ये सारा यहाँ पे इसकी जाली में फंस गया है। इसे निकालना इतना भी मुश्किल काम नहीं है, आराम से निकल आता है ये देखिए। और इसे भी मैं निकाल लेता हूँ। तो इस पल्प को देखने से ऐसा लग रहा है कि लगभग सारा का सारा जूस निकल गया है, लेकिन मैं इस बचे हुए पल्प को हल्का सा पानी और शक्कर मिला के मिक्सी में दोबारा जूस बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे ये मालूम चल जाएगा कि इसमें जूस निकल सकता था या नहीं। अगर शरबत में ज़्यादा फ्लेवर आया अनानास का तो जूस निकल सकता था, अगर बिल्कुल भी नहीं आया तो जूस नहीं निकल सकता था, ये बेस्ट है। तो ये देखिए ये हमारा एकदम गाढ़ा बिना पानी के हमारी प्लास्टिक मशीन से निकला हुआ जूस, और ये है मिक्सी में हल्का सा पानी मिला के हल्का चीनी मिला के बनाया गया शरबत। तो इतना सा पल्प बचा है, मतलब पल्प में ज़्यादा कुछ कमी नहीं हुई है, और इसे पीने के बाद ही मालूम चलेगा कि कुछ फ़ायदा निकला या नहीं इतनी मेहनत का। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे अपना गाढ़ा जूस। तो ये तो लाजवाब है ही, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और ये है हमारा बचा शरबत, और ये कुछ खास नहीं लगा। तो अभी मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। तो जो पल्प का शरबत था जिसे हमने मिक्सी में फेंटा था, उसमें अनानास का एकदम नाक के बराबर फ्लेवर आया, मतलब जाहिर सी बात है सारा का सारा लगभग जूस निकल ही चुका था उस हमारी मशीन में। और अगर बात करी जाए इस अनानास के जूस की, तो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी भी इतना अच्छा अनानास का जूस कभी भी नहीं पिया।
अगर बाहर कभी पिया भी होगा तो उसमें या तो पानी मिला हुआ होता था या फिर उसमें पहले से मौसम्बी का जूस मिला हुआ होता था। तो आज से पहले 100% प्योर अनानास का जूस तो मैंने पहले कभी नहीं पिया। आप लोग कमेंट में बताएगा कि आपके घर के पास जो जूस वाला है वो एक ही मशीन में अनानास, संतरे, मौसम्बी और अनार का जूस बनाता है। तो अगर वो ऐसा करता है तो बाहर 100% प्योर अनानास का जूस मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप लोग इसे घर पर ही पा सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरीके से इस 350 रुपए की मशीन ने अनानास का जूस बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया। आप लोग बेहिचक बिना किसी दिक्कत के इसे खरीद सकते हैं, बस क्वालिटी का ध्यान रखिएगा। मेरी वाली की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए।